गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। आज हम आपको मासिक राशिफल के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि मकर संक्रांति से जब सूर्य मकर राशि में आता है तभी से मासिक राशिफल चेंज हो जाता है। तो 14 जनवरी को सूर्य जो है मकर राशि पे आ रहा है और ये 13 फरवरी तक रहेगा। तो मासिक राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं। इस मासिक राशिफल का समय 14 जनवरी 2023 से लेकर 13 फरवरी 2023 तक है। इसकी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेष लग्न राशि के जातकों, इस माह पिता से मतभेद उत्पन्न होंगे, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी, संतान से मतभेद होंगे, दिमागी उलझन बढ़ेगी, परंतु माता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में आपको लाभ होगा। मेष लग्न राशि के जातकों, प्रातः तांबे के लोटे में लाल गुलाब, थोड़ा गुड़, थोड़ा चावल डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। वृषभ लग्न राशि के जातकों, इस माह माता से मतभेद होगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में दिक्कत आएगी, भाग्य उन्नत में बाधा होगी, धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगेगा, कठिन परिश्रम से सफलता मिलेगी। वृषभ लग्न राशि के जातकों, शनिवार से शनि देव मंदिर के में कड़वे तेल का दीपक जलाएं और काले उड़द का दान करें। मिथुन लग्न राशि के जातकों, इस माह भाई बहन से मतभेद होंगे, परिस्थितियों को देखते हुए मन में निराशा आएगी, आयु को हानि पहुंचेगी, पूर्वजों की शक्ति का हानि होगा, परंतु परिवार का सहयोग मिलेगा, धन संग्रह करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। मिथुन लग्न राशि के जातकों, बुधवार से गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं तथा साथ में दुर्वा भी उनको अर्पित करें। कर्क लग्न राशि के जातकों, इस माह अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, परिवार से मतभेद होंगे, रोजगार मंदा रहेगा, पति पत्नी में मतभेद उत्पन्न होंगे, परंतु व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। कर्क लग्न राशि के जातकों, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में या घर पे पूजन स्थल पर 11 बार हनुमान चालीसा का जप करें। सिंह लग्न राशि के जातकों, इस माह शरीर में परेशानी रहेगी, रोगों से सावधान रहें, शत्रु परास्त होंगे,
कंपटीशन में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, खर्चा अधिक होगा, बाहरी स्थानों से संबंध अच्छे रहेंगे। सिंह लग्न राशि के जातकों, तांबे के लोटे में लाल पुष्प थोड़ा गुड़ डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें और पिता के प्रथम चरण स्पर्श करें। कन्या, कन्या लग्न राशि के जातकों, इस माह खर्चे में बढ़ोतरी होगी, बाहरी स्थानों से मतभेद होंगे, संतान से कष्ट होगा, विद्या में कमजोरी रहेगी, परंतु धन लाभ होगा। कन्या लग्न राशि के जातकों, प्रति सोमवार को मिश्री मिश्रित शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। तुला, तुला लग्न राशि के जातकों, इस माह धन का लाभ सामान्य रहेगा, माता समवेद, घरेलू सुख में कमी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में परेशानी, परंतु पिता से सहयोग मिलेगा, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। तुला लग्न राशि के जातकों, शनिवार को कड़वे तेल का दीपक काला तिल डालकर शनिदेव के मंदिर में जलावें तथा छाया दान करें। वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, इस माह पिता से मतभेद होंगे, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी, पराक्रम के द्वारा सफलता मिलेगी, भाइयों से कुछ मतभेद होगा, धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी, यश की प्राप्ति होगी, भाग्य की उन्नति होगी। वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, पिता का सम्मान करें तथा तांबे के लोटे में लाल पुष्प थोड़ा गुड़ डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें तथा ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का एक माला प्रतिदिन जप करें। धनु, धनु लग्न राशि के जातकों, इस माह भाग्य उन्नत में बाधा आएगी, यश की कमी होगी, धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी नहीं रहेगी, रखी हुई पूंजी खर्चा होगी, परिवार से मतभेद उत्पन्न होंगे, परंतु आयु की वृद्धि होगी, पूर्वजों से आपको लाभ होगा। धनु लग्न राशि के जातकों, गुरुवार से प्रतिदिन गाय को एक बेसन का लड्डू खिलाएं। मकर, मकर लग्न राशि के जातकों, इस माह शरीर में दिक्कत रहेगी, पति पत्नी में कुछ मतभेद भी होंगे, रोजगार मंदा रहेगा, बिजनेस पार्टनर से भी कुछ मतभेद होंगे, आयु की वृद्धि होगी, पूर्वजों की शक्ति का आपको लाभ मिलेगा। मकर लग्न राशि के जातकों, शनि देव के मंदिर में कड़वे तेल का दीपक जलाएं तथा छाया दान करें। कुंभ, कुंभ लग्न राशि के जातकों, इस माह खर्चे में परेशानी होगी, बाहरी स्थानों से मतभेद भी होंगे, रोजगार मंदा रहेगा, पत्नी से भी कुछ मतभेद होंगे, परंतु शत्रु आपके परास्त होंगे। कुंभ लग्न राशि के जातकों, हनुमान जी के मंदिर में कड़वे तेल का दीपक जलाएं तथा हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 11 बार पाठ करें। मीन, मीन लग्न राशि के जातकों, इस माह आपको धन का लाभ होगा, परंतु चिंता बढ़ेगी, दुश्मन भी आप
के परास्त होंगे, विद्या प्राप्त करने में कठिनाई होगी, संतान से मतभेद होगा। मिन लग रास के जातकों, गुरुवार से नहाने के पानी में पिसी हल्दी डालकर स्नान करें। हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। आवश्यक जानकारी हस्तरेखा परीक्षण, जन्म पत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सुंदरकांड, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, भूत बाधा से छुटकारा, तांत्रिक अनुष्ठान एवं विवाह के लिए मेरे मोबाइल नंबर 9807225523 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र, केशवपुरम, नेगी गेस्ट हाउस के सामने, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर। जय माता दी।